Hi guys, I hope you are doing well. तो first of all, thanks for your love and support कि आप मेरी videos पसंद कर रहे हैं और आपको कुछ benefit हो रहा है. You know, it means a lot to me. तो आज बात करते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी videos देखने के बाद भी आप daily अपनी vocab को improve करने के लिए बहुत सारी videos vocabulary की देखते हैं, word meaning की देखते हैं, but the result is zero. So, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि आप इतनी वीडियोस देख रहे हैं, डेली वर्ड मीनिंग सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर भी आपको वो लर्न नहीं हो पा रहे हैं. तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या करना है एक्चुअली. तो आप इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद भी अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली आपका जो स्ट्रेटजी है वो रॉन्ग है, आप गलत कर रहे हैं. आप वीडियोस देखते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस आती हैं वर्ड मीनिंग की और आप उन्हें जस्ट रीड करते हैं और आपको लगता है कि वो आपको लर्न हो जाएंगे और आप उन्हें यूज़ कर पाएंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट डे या थोड़ी देर बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखने लगते हैं. यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है. आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको जो वर्ड मीनिंग आप देख रहे हैं और आपको अच्छे लगते हैं आपको उनको एक डायरी में नोट डाउन करना है और अपना एक टारगेट सेट करना है कि मुझे वन डे में 5 वर्ड्स लर्न करने हैं. अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी न्यू 5 वर्ड्स एक डायरी पर लिख लेने हैं और आपको उस डायरी को बार 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 रीड करना है, उन वर्ड्स को रीड करना है. आपको उनके रटे नहीं लगाने हैं बिल्कुल भी. और अगर आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस गोइंग पर्सन है, तो आप एक स्लिप पर उन 5 वर्ड्स को लिख लीजिए और जब भी आपको मौका मिलता है आप उनको निकालिए, आप उनको कम से कम 10 टाइम्स उनको रीड करिए और उसके बाद आप उन वर्ड्स को अपने हिंदी के सेंटेंसेस में यूज़ करना है. आपको इंग्लिश के सेंटेंस पहले नहीं बनाने हैं, उसमें उनको यूज़ नहीं करना है. आपको हिंदी का सेंटेंस पूरा बोलना है और उसमें उस वर्ड को इंग्लिश में डाल देना है. यानी आपको दिन में उस वर्ड को बोलना ही है, ये आपको अपना टारगेट बनाना है कि ये 5 वर्ड्स मुझे आज की डेट में ज़रूर बोलने हैं, क्योंकि तभी वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाकर सेव होंगे और आप उन्हें यूज़ कर पाए.